स्टूडेंट्स देखो, हमने लास्ट में डाइस के बारे में देखा था पार्ट वन में, वहां तक हम गए थे। जिन लोगों ने अभी भी शायद पार्ट वन नहीं देखा है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा नहीं, कोई ना हो तो पार्ट वन देख के ना फिर पार्ट टू पे आते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब पार्ट वन में हमने क्या बात की थी, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक चीजें, और ये मैंने थियरी दी थी स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए। फिर हमने कॉइन के बारे में बताया था, कॉइन का कैसे ये 2 times और 3 times हो तो कैसे उसके आउटकम्स बनाने, टोटल आउटकम का फॉर्मूला, कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चंस से डाइस। फिर डाइस का मैंने 2 times अगर डाइस थ्रो किया हो और उसमें सम अगर पूछा हो कि 7 आई 8 आई 11, तो उसका मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि उसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करते इजिली। यहाँ पे देखो, अभी भी जब ऐसे लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में भी हो सके उतने जिन मेरे पास लिमिटेड सोर्सेज है उसमें से भी मैं आपको हो सके उतना अच्छा वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई अनफेयर डाइस, मैंने आपको वो भी बताया था कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अनफेयर डाइस मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ये डाइस आपने ऐसे जनरली देखने में नहीं मिलता है कि जहाँ पे सारी साइड पे देखो कि वो 1 1 1 ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसी चीजें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसे अनफेयर डाइस और उसके ऊपर फिर कॉम्प्लिकेटेड ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं और ऐसी चीजें भी क्योंकि होती है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टिक टू द बेसिक्स। कि अगर फेयर डाइस है तो उसके लिए फॉलो करना है, फेयर कॉइन है तो। अब आप सोचो कि अनफेयर कॉइन, तो भाई आपने ना देखी हो तो शायद आपके पेरेंट्स ने देखी होगी, शोले मूवी पूछ लेना, अमिताभ बच्चन के पास अनफेयर कॉइन था, दोनों एक ही साइड थी, उसी पे भी मुड़ा मूवी है, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है, तो उस पे से अनफेयर चीजों के ऊपर भी आ सकते क्वेश्चन। पर अभी आपके 9th और 10th के लेवल की बात करें तो ज्यादातर नहीं होता है, तो टेंशन मत लो बच्चा बाटे। अभी हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक ये है प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स जो है, अभी तो ऐसा टाइम है कि ज्यादातर घरों में खेले ही जाते हैं, फिर भी अगर किसी को ना पता हो तो मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और जो आप खेलते हो तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में, गुजराती, हिंदी, जिसमें भी आप उसके रिगार्डिंग आपको वर्ड्स पता हो, तो शायद आपको इंग्लिश में ना पता हो तो उसके लिए भी आपको मैं यहाँ पे नेम बताऊंगा। देखो पहले तो 4 shapes आपने देखे होंगे, कार्ड्स में 4 shapes होते हैं ना, जिसमें से इसको बोला जाता है स्पेड, इसको बोला जाता है क्लब, इसको बोला जाता है हार्ट, और इसको बोला जाता है डायमंड। इस हर एक के 13 13 13 पत्ते होते हैं, तो इसके 13 13 13 13 चारों के मिला के टोटल 52 होते हैं। ये 2 black color के होते हैं, ये 2 red color के होते हैं। अब 13 card इनमें कौन से होते हैं, तो एक होता है इक्का, ठीक है, एस, ए लिखा होता है जो अल्फाबेट वाला वो, फिर 2 से 10 नंबर तक होती है जो बोलते हैं ना दूरी थीरी वो सब वो, फिर 3 जो कार्ड होते हैं ना वो, ये इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ये फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स मतलब क्या, जिसमें फेस प्रिंट किए होते हैं। आपने देखा होगा कि कार्ड्स में सब कार्ड पे फेस नहीं प्रिंट किया होता, इन तीनों में ये जे का मतलब क्या, जैक, क्यू का क्वीन और के का किंग, तो इसको जैक बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक कार्ड्स भी है, आपको शो कर देता हूँ। नॉर्मल हम 52 कार्ड्स में, जैसे ये जोकर है उसको कंसीडर नहीं करते, उस जोकर के अलावा जैसे 52 कार्ड्स में, जैसे मैं फेस कार्ड आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल जैसे हमारे पास ये नंबर वाले कार्ड हो गए, जैसे 7 है 2 है, ये सब में आपको फेस नहीं मिलेगा। आपको फेस कौन से कार्ड्स में मिलेगा, तो जैक में मिलेगा, क्वीन में मिलेगा, किंग में मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये 3 कार्ड में फेस होता है, इसलिए इनको फेस कार्ड्स बोला जाता है। और यहाँ पे एक मैंने रखा है एस, और ये 4 मैंने इसलिए रखे कि 4 जो ये 2 red color वाले जिसमें हार्ट और डायमंड होता है, और ये क्लब और स्पेड, तो इस तरह से ये नाम होते हैं, इसको आपको याद रखना है। और इस वजह से जैसे क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, कैसा क्वेश्चन आपको पूछा कि वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग और फेस कार्ड, रैंडमली कोई एक कार्ड आप ये 52 कार्ड में से उठाते हो और वो फेस कार्ड निकल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो ये जैक जो है, ये चारों में हो गया ना, जैसे इसमें भी होगा, स्पेड में भी, क्लब में भी, हार्ट में भी, डायमंड में भी, सब में हुआ, तो इसके 4 card हो गए, जैसे क्वीन के 4 हो गए, किंग के 4 हो गए, तो टोटल कार्ड कितने हो गए फेस कार्ड हमारे पास, 12। और मैंने क्या बताया, अगर प्लेइंग कार्ड्स के बाद क्वेश्चन है तो टोटल कार्ड, टोटल आउटकम हमारा कितना रहेगा, 52, 12/52, मतलब कि इसको कट करेंगे हम तो ये आएगा 3/30, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन बना, वैसे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 4
जो टोटल कार्ड्स है उसमें से आपने कोई एक कार्ड सिलेक्ट किया और वो रेड कलर का कार्ड हो, रेड कलर का बोल रहा हूँ, तो रेड कलर के मतलब कितने कार्ड हो गए सकते हैं, 26। ठीक है, तो रेड कलर का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, हमारा फेवरेबल आउटकम 26 है, नीचे हम टोटल होते हैं, टोटल तो 52 ही रहेगा, आंसर आएगा 2/2। आई होप इसका लिटिल बिट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसका और आप खुद से सर्च करके थोड़ा और डिटेल में इसके स्टडी कर सकते हो, इसका और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, अब यहां से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स उसमें बनते हैं, इसके क्वेश्चन मार्क्स इसमें तो कुछ ना कुछ तो आएगा, एटलीस्ट आपके स्कूल के एग्जाम में तो आ ही जाएगा, कंफर्म बात है, एकदम कंफर्म। यहां से जितने बताने वाला हूं ना वो आपके स्कूल ट्यूशन या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने के बहुत हाई चांस है, बहुत ही हाई चांस है। देखिए पहला ये टाइप यहाँ से शुरू करते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, इसका मतलब ऐसा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, हमारा जो प्रोबेबिलिटी का इवेंट है और हमारा प्रोबेबिलिटी इवेंट ना होने का जो इवेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है, ये ए बार जो है ना मतलब ये वो नहीं होने वाला। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा पी ऑफ ए है कि मैं कोई एग्जाम में पास हूँ, पास हो सकता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी, मैं कोई एग्जाम में पास हो सकता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर पी ऑफ ए है तो मैं अगर फेल हो सकूँ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए बार, मतलब इसका ऑपोजिट हमेशा ये होता है और ये दोनों का प्लस हमेशा क्या रहता है, 1। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया कि पी ऑफ ए 0.45 है तो पी ऑफ ए बार क्या आएगा, तो सिंपल 1 में से इसको माइनस कर दो। जिन लोगों को थोड़ा पॉइंट में दिक्कत होती है उनके लिए और ट्रिक बता देता हूँ, 100 में से माइनस करना तो आएगा ना, 100 में से 45 माइनस कर दो, मतलब पॉइंट के बाद जो भी डिजिट दिखे ना वो जो भी क्वेश्चन में दिया, 100 में से 45 माइनस लगाओगे तो इजी है ना आपके लिए, क्या बन जाएगा 55। तो जो भी आंसर आपका फिर आता है उसके आगे पॉइंट और 0, तो ये आपका आंसर। तो ये ऐसे टाइप के कोई क्वेश्चन पूछे दिए दिए हो सकते हैं आपको, पी ऑफ ए दिया और पी ऑफ ए बार फाइंड करना हो, या फिर उल्टा पी ऑफ ए बार दिया हो और पी ऑफ ए फाइंड करना हो, तो ये ट्रिक है एकदम इजी सिंपल। ओके, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, यहाँ पे जिसमें लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर किसको बोलते हैं पहले, तो लीप ईयर मतलब कि जिसमें टोटल साल में कितने दिन होते हैं, 366 डेज, और जो ऑर्डिनरी ईयर होता है नॉन लीप ईयर उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज। इसमें आपको पता होता है कि 29 फरवरी आता है और यहाँ पे नहीं आता है, 28 फरवरी तक ही जाता है। ठीक है, अब इस साल 2020 लीप ईयर था, आप लोगों ने अभी देखा होगा फरवरी 29 आया था, तो ये कब आता है, तो हर 4 साल पे आता है। तो इसका सिंपल लॉजिक ऐसा है कि जो साल जो भी ईयर है वो अगर 4 से डिवाइड होता है ना तो वो लीप ईयर होता है। देखो 2020 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड तो हो रहा है, मतलब क्या उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, उस हिसाब से तो डिवाइड लीप ईयर होता है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, तो देखो ये दो साल के बेस पे आ सकते हैं ईयर, और ये आ सकता है कोई मंथ के बेस पे जिसमें ज्यादातर फेब्रुआरी मंथ पे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है, समझ लो कि क्वेश्चन ऐसा है कि 52 कोई भी डे ले लो, मंडे ट्यूजडे फ्राइडे कोई भी आपको जो पसंद हो, क्वेश्चन में बना रहा हूं कि जैसे थर्सडे के लीप ईयर है और 52 थर्सडे आए, क्या है 52 थर्सडे, कोई भी डे दे सकते हैं, कोई भी डे के लिए सेम ही लगेगा कॉन्सेप्ट, डे से कोई चेंज नहीं हो जाएगा आंसर, 52 थर्सडे है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप सिंपल क्या करो, 366 को 52 से डिवाइड करो, 366 को 52 से हम क्या करेंगे डिवाइड, अरे सॉरी 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, 7 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं, टोटल 7 डेज होते हैं, तो उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 5 35, ये 1 रिमाइंडर, फिर 7 2 14 और 2 रिमाइंडर, तो मतलब 52 टाइम, ये यहाँ पे ऊपर जो आ रहा है ना क्वेश्चन, 52 टाइम तो आई जा रहे सातों के सात दिन, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1, कंफर्म चीज होगी इसलिए। तो अब अगर 52 ना पूछा और 53 पूछा, मतलब 52 या 52 से नीचे पूछा हो तो आंसर 1 आएगा, उसके ऊपर पूछा हो 53 में तो हम सोचेंगे 53 से ऊपर पूछा हो तो नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन, या फिर 0 आएगा उसका आंसर। 52 टाइम तो आ गए, अब बच्चे कितने, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचे, इसका मतलब कि 2 दिन और बाकी रहे हैं जो 52 से ज्यादा आएंगे, मतलब कि 53 टाइम आ सकते हैं, तो ये 2 में से कोई भी आ सकते दिन 7 में से, तो इसका आंसर क्या बनेगा 2/7, जो 53 वाला है उसका आंसर क्या बनेगा 2/7। वैसे ही सेम हम यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो
कि अगर पांच मंडे आ सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। लीप ईयर है, फेब्रुआरी मंथ है, और हम बात करें कि पांच मंडे आ सके। फिर से यहाँ पे देखते हैं, 29 को डिवाइड करते हैं 7 से, क्योंकि 7 ही दिन रहते हैं ना। 7 4 28, एक रिमाइंडर, मतलब 4 ऊपर आया, इसका मतलब क्या, 4 तो टाइम आने ही वाले हैं कंफर्म। मतलब 4 पूछा है तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1, पर अगर 5 पूछा है तो रिमाइंडर जो आती है उसके अपॉन में 7, सिंपल याद रख दो, तो 1/7। वैसे ऑर्डिनरी ईयर में आते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में क्या फर्क होता है, यहाँ पे 366 की जगह पे क्या हो जाता है, 365। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 की जगह कितनी बच जाती है, 1। अभी मैंने क्या सिखाया कि 52 टाइम तो आ जाता है उसमें तो 1, पर 53 वाला है तो उसमें 2/7 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1/7। यस राइट। और वैसे ही यहाँ पे अगर फेब्रुआरी मंथ की बात की होती तो अब फेब्रुआरी मंथ में यहाँ पे 29 नहीं होता, फेब्रुआरी मंथ में यहाँ पे कितने होते हैं, 28। तो 7 4 28, रिमाइंडर क्या बच रही है, 0। हम क्या करते हैं, 0/7, रिमाइंडर के नीचे 7 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 5 में भी 0/7 मतलब 0 आएगा, और 4 में तो क्या आ सकता है, वो तो वही कंफर्म इसका जो था वो। तो यहाँ पे 5 में 0 इसलिए आ रहा है आंसर क्योंकि रिमाइंडर हमारी क्या बच रही है, 0। तो रिमाइंडर जब 0 होगी तब इसका आंसर क्या होगा, 0। बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना। लास्ट आज का टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि मतलब आपकी 80 मार्क्स की टेस्ट है और आपकी 81 मार्क्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप सोच लो भाई, अगर आइंस्टाइन सर भी बैठे गए तो अभी 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो ला नहीं सकते 80 मार्क्स एग्जाम में, तो 81 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जहां पे पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है, हम उस चीज का आंसर क्या लिखते हैं, 0। और अगर ऐसा आपको इतना तो समझ आ ही जाएगा कि भाई 80 से ऊपर नहीं आ सकता, 80 के नीचे तो कोई मार्क्स आ सकते, उसमें कोई भी नंबर दिया हो। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया 75 मार्क्स, अगर 75 मार्क्स आने की बात की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती बच्चे क्या करते हैं पता है, जो नंबर दिया था वो ले लेते, 75/80 ऐसा लिखते हैं कि 75/80, नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, 1/81। कैसे, तो देखो 1/81 मतलब कोई भी मार्क्स दिया हो ना, वो हमारा एक इवेंट हुआ, तो यहाँ पे तो हमेशा 1 ही लिखेंगे ऊपर, और नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम। तो टोटल हमारे पास 80 मार्क्स में 1 से लेके 80 मार्क्स से कोई भी मार्क्स आ सकते हैं, तो सब इवेंट हुए, तो 1 2 3 4 ऐसे कोई भी मार्क्स आ सकते हैं 80 तक। तो वो आप लोग सोच रहे होंगे, सर 1 से लेके 80 तक आ सकते हैं, तो आप गिनती भूल जाए क्या, 80 होते, 81 क्यों लिखा है, 81 इसलिए लिखा है क्योंकि अल्ट्रा लेजेंड बच्चे होते हैं ना, अल्ट्रा लेजेंड बच्चे हैं वो 0 भी लाते हैं मार्क्स, तो 1 से 80 में से तो आ सकते 80 आउटकम, और 0 मतलब एक और बढ़ गया तो 81 आउटकम, मतलब हमेशा 81 मार्क्स का होता है, तो एक नीचे टोटल आउटकम आपका मार्क्स का जितना होता है उसमें एक बढ़ जाता है और ऊपर 1, सिंपल। अब जैसे मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल किया है, 50 मार्क्स की टेस्ट है, 17 मार्क्स लाने हैं, आपको मार्क्स नहीं देने, आपने आपको ऊपर क्या लिख देना है, 1, सिंपल। कितने मार्क्स की टेस्ट है, 50, प्लस कर दो 51, बात खत्म, ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं, सिंपल, जितने मार्क्स की टेस्ट है उसमें एक बढ़ा दो, और यहाँ पे कुछ भी मार्क्स का पूछा हो, 17 18 19 20, आप ऊपर 1 रखोगे, हाँ जितने मार्क्स की टेस्ट है उससे ज्यादा पूछा है तभी आप क्या लगाओगे, 0। समझ में आ गया, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको। और जो जो ज्यादातर टॉपिक लेते हैं बोर्ड में, वह उसका एनालिसिस करके पूरा आपको डिटेल दिया है। अब ये सब जितना भी दूसरा, ये दूसरे पार्ट में जितने भी टेक्निक बताए उसको भी अच्छी तरह से नोट डाउन करके अपने खुद के एग्जाम्पल सोच के या खुद से कोई नए क्वेश्चन बना के या ढूंढ के उसको सॉल्व करना, तभी और ज्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो पाएगी, वरना सिर्फ यही का ये लिखोगे तो नहीं होगे। ओके, तब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि 2 मैथ्स के हो गए, तब 2 साइंस के लेके आऊंगा बहुत ही जल्द। ओके, टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय।